नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप लोग भी अगर स्टार वाले नोट बेचना चाहते हो, क्या आपके पास में भी स्टार वाला नोट है? स्टार वाला नोट आपको रातों रात लखपति बना सकता है। क्या ऐसी चीज है स्टार वाले नोट के अंदर कि उसका बहुत ज्यादा आपको पैसे मिल सकते हैं? क्या सच में स्टार वाले नोट इतने कीमती हो गए, या फिर वो कौन से नोट है जो इतने कीमती है, और आप लोग पुराने नोट और पुराने सिक्के कहाँ बेच पाओगे? यानी स्टार वाले नोट के साथ में आप लोगों को और कौन सी डिमांड देखनी है? तो बिल्कुल मेरे हाथ में आप दो नोट देख पा रहे हो। इन्हीं नोटों में से एक ऐसा नोट आपको बताने वाला हूं जिनकी कीमत 100, 200, 300 नहीं बल्कि हजारों या लाखों में भी पा सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, उससे पहले आपको पता है रजिस्ट्रेशन चार्ज आरबीआई लेटर के बारे में? तो सबसे पहले जो है, जो फ्रॉड होता है सबसे ज्यादा होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज आरबीआई लेटर। नोट वाले आपको ये बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन चार्ज आरबीआई लेटर, उनके नाम पर आपसे कुछ पैसे मांगेंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज करवाना पड़ेगा ताकि आपका जो है आरबीआई लेटर बन सके। आरबीआई लेटर कुछ नहीं है, आरबीआई लेटर क्या है, सिर्फ आपको पागल बनाने का एक तरीका है जिससे आपसे पैसे लूट सके। ये था सारा जो है आरबीआई लेटर का माहौल बनाकर आपसे सब पैसे लूट रहे हैं। तो अभी जो क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है वो इसी चक्कर में हो रहा है। लोग पैसे दे रहे हैं, फिर कमेंट करें हमने आपका वीडियो देखा था और हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो हम कभी नहीं बोलते हैं ऐसा कि आरबीआई लेटर के लिए पैसे दो, रजिस्ट्रेशन चार्ज दो। हम तो यही बोलते हैं शुरू से, जब से चैनल स्टार्ट किया है तब से यही बात बोल रहे हैं कि आरबीआई लेटर और रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर एक भी पैसा नहीं देना है। आगे की जो जानकारी है रोहित से। तो मेरे भाई आप लोग समझ चुके होंगे आरबीआई लेटर किस हद तक आपसे मांगा जाता है, यानी गवर्नमेंट का जो लेटर होता है वो क्यों मांगा जाता है। साथ ही आपके पास में स्टार वाला नोट, अगर किसी भी नोट के अंदर आपके पास में स्टार पाया जाता है, यानी कि स्टार वाला नोट है, जैसे कि 10 रुपए का मेरे हाथ में ये नोट है, आप देख पा रहे हो ये 10 रुपए का नोट। तो बिल्कुल इसमें आप लोग सीरियल नंबर के बीच में आप स्टार देख पा रहे हो, दोनों तरफ से सीरियल नंबर के बीच में आप स्टार देख पा रहे हो। इसके आगे 02F, यानी ये स्टार के साथ में इसके साथ में कौन सी खूबी है, और आगे पूरा नोट देख लीजिए। महात्मा गांधी जी का फोटो है, पीछे की तरफ भी देख सकते हो हाथी का फोटो है। इसके अलावा मेरे पास हाथ में ये 50 रुपए का नोट है, इसके अंदर भी स्टार है, लेकिन इसके जो प्रीफिक्स नंबर है 5CC प्रीफिक्स नंबर है और साथ में स्टार है। तो अब स्टार वाले नोट कैसे महंगे होते हैं, या फिर इसका स्टार वाले नोट कितने महंगे होते हैं और क्यों महंगे होते हैं, इनकी एक लंबी चौड़ी कहानी होती है, वो पूरी A to Z बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे भाई आप लोग समझ पा रहे हो कि आपके पास में कलेक्शन है, आपके नोट में स्टार है, क्या आपके भी नोट में स्टार है? स्टार है तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हम आपको एक रोचक तथ्य के बारे में बताने वाले हैं। तो मेरे भाई जैसे कि मेरे हाथ में ये 50 वाला नोट है, इसके अंदर उतना कुछ खूबी नहीं है। बिल्कुल आपके पास हो सकता है 2 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट हो, 5, 20, 25, जो भी हर प्रकार का नोट हो सकता है, लेकिन आप लोगों को क्या ढूंढना है, केवल स्टार मार्क होना ही नोट महंगा होने की कहानी नहीं होती। और जो न्यूमिस्टिक सोसाइटी होती है, इनके अंदर केवल स्टार या केवल 786 ही वैल्यूबल नहीं होता। वैल्यूबल कब होता है कि स्टार के साथ में एक से ज्यादा खूबी जुड़ी हो, जैसे स्टार के साथ में 786 हो, स्टार के साथ में नोट का नोट बटरफ्लाई नोट हो, या फिर कटिंग एरर नोट हो, मिसप्रिंट नोट हो। इनके अलावा ऐसी ऐसी चीजें होती है, जैसे कई नोट हमने देखे हैं कि बीच आधे भाग से कटे हुए हैं, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है। तो हम 10 रुपए का नोट और ये 50 रुपए का नोट है, इनमें कीमती की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई जैसे कि ये आप मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट देख पा रहे हो, ये आप 10 रुपए का नोट देख पा रहे हो। अब इस नोट में क्या खूबी आप लोगों को दिखी, तो सबसे पहले आप लोग पूरे नोट को देख लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। नीचे महात्मा गांधी जी का फोटो है, वैल्यू इसका लिखा हुआ है, हिंदी में वैल्यू लिखा हुआ है, और हिंदी में जो ये इसका वचन लिखा हुआ है, और इधर देखते हो तो ये पीछे का भाग भी आप लोग देख लीजिएगा, A to Z आपने देख ली इस चीज इसके अंदर। लेकिन अब आप लोगों को मैं बताता हूं, ये जो स्टार वाला नोट है, इसके सीरियल नंबर में ना 786 है, ना कोई फैंसी नंबर है, लेकिन इसके प्रीफिक्स जो नंबर है वो 02F सीरीज से है। तो आप लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि 02F क्या है। दोस्तों आज के स्टूडियो में बता देता हूं, ये स्टार वाला नोट और साथ में 02F है। अगर आपके पास में 02F वाली सीरीज का कोई भी नोट मिलता है, चाहे कोई सा भी नोट ले लीजिए, 02F यानी 10, 5, 20, 50, 100, 200, 2000 या पुराने समय के 1000 वाले नोट भी आप लोगों के पास होंगे, तो 02F सीरीज के नोट आपके पास है तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आप लोगों को यह ध्यान देना है,
कि 0 to F वाली सीरीज के नोट आपके पास है और साथ में स्टार है, स्टार नहीं तो 0 to F अगर फ्रीपेक्स में है और साथ में 786 है तो भी वैल्यूबल है, और स्टार के साथ में ये मेरे पास में आप देख सकते हो 0 to F, तो 0 to F के साथ में स्टार है तो भाई बहुत ही कीमती है, वैल्यूबल नोट है, ये लाखों में एक दो नोट मिलते हैं या फिर मिल भी जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के कलेक्शन में हो सकता है। इनके अलावा स्टार के साथ में जैसे 1111 स्टार के साथ में जैसे प्रीफिक्स 00 आ गया और आगे का भाग भी अगर 0000 वाला नोट है तो वो सबसे महंगा, दुनिया का सबसे महंगा नोट होगा, दुनिया का सबसे महंगा कलेक्शन का नोट होगा अगर प्रीफिक्स भी 00 है, स्टार साथ में है और आगे के सीरियल नंबर भी 00 से स्टार्ट है, तो दुनिया का सबसे महंगा होगा। आप लोगों के पास में है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकने की जगह कॉइंस एग्जीबिशन होती है। तो जैसा कि देखा अभी जैसे स्टार है, स्टार के आगे जैसे VIP नंबर, जो लोग है VIP नंबर के शौकीन होते हैं, इनके जो रेट बढ़ने का एक ही कारण है, जैसे फैंसी नंबर हो गया, VIP नंबर हो गया, जैसे जो स्टार के बाद में है 0001, तो उस नेट जो नोट है उसकी कीमत रहती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका VIP नंबर है, उसके बाद में 0023 ऐसे, तो वैल्यूबल उन्हीं नोटों की रहती है जिनके स्टार है, जैसे VIP नोट है, फैंसी नोट है, कुछ ऐसे नोटों की रहती है वैल्यू। तो बिल्कुल मेरे भाई आप स्टार वाले नोटों की समझ गए होंगे कहानी, स्टार वाले नोटों की ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, ना कुछ लंबी कहानी है, स्टार के साथ में आप लोग ढूंढिए अपने नोट में कि एक से ज्यादा खूबी हो, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, 786 हो गया, या फिर फैंसी नंबर हो गए, कटिंग एरर, मिस प्रिंट, VIP फैंसी नंबर आ जाते हैं, इनके अलावा कई और प्रकार की जैसे त्रुटि हो जाती है, या फिर ये जो 0 to F सीरीज वाले हैं, 0000 वाली सीरीज है, 111 वाली सीरीज है, ये नोट बहुत कीमती है स्टार वाले नोट, तो स्टार वाले नोटों के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो कुछ क्या है इसमें, जैसे ये हमारा नोट है, अभी ये हमारा एक ये नोट है जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में हम दिखाएंगे कि जो हमारा नोट है उसमें कहीं पर भी मिस प्रिंट नहीं है, लेकिन जो इसका ये कटिंग है वो कटिंग, जैसे ये ऊपर वाली जो सफ़ेद पट्टी है, ये पट्टी कहीं से ज़्यादा है, कहीं से कम कटी हुई है, कहीं पर ज़्यादा गैप है, कहीं पर कम गैप है, तो ऐसा होता है। तो मेरे भाई समझ चुके होंगे स्टार वाले नोटों की पूरी कहानी, स्टार वाले नोट आप लोगों के पास भी है तो मेरे भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए ट्रीवेंट सर्च कीजिएगा, सर्च बार में जाके वहां पे आपको हमारा ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, उसे भी आपको फॉलो करना है, साथ ही वहां पे भी आप लोगों को सपोर्ट करना है। बाकी आप लोग हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम से हमसे संपर्क कर सकते हो, ट्रू इवेंट YT के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, और आपका और हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी फैमिली अपन को 1 लाख तक भी ले जाना है। तो मेरे भाई धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।